बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये ट्रॉलिंग का सिलसिला जिस तरह से बढ़ता ही चला जा रहा है, फैंस के लिए चिंता की बात तो है। जिस तरह से बच्चन परिवार ने पूरे शिद्दत के साथ फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देने की कोशिश में हर उतार चढ़ाव में दर्शकों के बीच खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, वो चाहे वो महानायक अमिताभ बच्चन हो, उनकी पत्नी जया बच्चन हो, बहू ऐश्वर्या हो या फिर बेटे अभिषेक, उनके इस कोशिश के बावजूद भी लोगों का अभिषेक बच्चन को ट्रॉल करना अफसोसजनक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। एक बार फिर से है आप सभी का स्वागत ट्रॉलिंग सेलेब्स हमारे इस प्रोग्राम में। जी हाँ, ट्रॉलिंग सेलेब्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति हाजिर हूँ लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे ट्रॉल हो रहे हैं अभिषेक बच्चन, इसे लेकर पूरी खबर। ट्रॉलर्स को जवाब देना अभिषेक बच्चन के लिए वाकई में इस कदर जरूरी हुई कि उन्होंने हर एक शख्स की बातों पर गौर किया और बड़े ही सलीके से रिस्पेक्ट के साथ अभिषेक ने ट्रॉलर्स को जवाब दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन के जब लायक नहीं समझा गया अभिषेक को, इस तरह की बातें जब हो गई तो अपनी पत्नी और अपने परिवार के एम्बैरेसमेंट को कैसे बर्दाश्त कर पाते अभिषेक, तो आइए देखते हैं कि कैसे अभिषेक ने ट्रॉलर्स को जवाब दिया और कैसे लोगों ने उनके इस जवाब की तारीफें की हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जूनियर बच्चन साहब यानी कि अभिषेक बच्चन आए दिन आप सभी को दिखाई देते होंगे अपनी फिल्मी लाइफस्टाइल और बॉलीवुड से हटकर रियल लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहते। कभी ट्रॉलर्स का निशाना बन जाते हैं अभिषेक बच्चन, तो कभी लोगों के बीच अभिषेक बच्चन के कुछ ऐसे बात होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी हैरान कर देते हैं। लेकिन अभिषेक भी अपनी ज़िंदगी में कम परेशान नहीं रहते। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी रचाना अभिषेक बच्चन के लिए क्या वाकई भूल थी? क्यों कहते हैं लोग इस तरह से कि अभिषेक बच्चन का मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी करना, शादी करने का फैसला लेना, 2 साल बड़ी ऐश्वर्या को अपनी ज़िंदगी में हमसफर बनाना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लोग ऐसा क्यों कहते हैं, सवाल ये है। आपको बताना चाहेंगे इस तरह के सवाल खड़े करने वाले ट्रॉलर से इतने निराश हो चुके हैं अभिषेक कि उन्होंने जमकर लोगों को अपने गुस्से में जमकर ट्रॉल किया है। अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म द बिग बुल के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद अभिषेक बच्चन को काफ़ी फिर से ट्रॉल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से अभिषेक बच्चन को ट्रॉल किया गया। दरअसल अभिषेक बच्चन ने द बिग बुल के ट्रेलर को लॉन्च होने के बाद जो है तारीफ बटोरी। अभिषेक को अमिताभ बच्चन ने भी प्रमोट किया। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म द बिग बुल के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद उनकी तारीफ की। अमिताभ बच्चन ने उनकी आने वाली फिल्म को प्रमोट करते हुए ट्विटर पर उनसे जुड़े कई ट्वीट को शेयर किए। लेकिन यहाँ ऐश्वर्या के पति बनने की वजह से कितना ट्रॉल, शादी कितने सालों बाद भी, शादी की 13 सालों बाद भी हो रहे हैं अभिषेक। जरा देखिए, स्पर्श सक्सेना ने लिखा, यू आर गुड फॉर नथिंग बडी, द ओनली थिंग विच आई एम जेलस ऑफ यू इज दैट यू हैव गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल वाइफ एंड फ्रॉम दैट टू दैट यू डोंट इवन डिजर्व हर। ये लिखा है लोगों ने कि तुम उस लायक नहीं हो कि ऐश्वर्या राय बच्चन के पति बनो। इस तरह की तकलीफ दे बात कैसे लिख सकता है कोई? तो अभिषेक ने भी इस पर जवाब जरूर दिया। 20 मार्च को ये ट्वीट सामने आया, इस पर अभिषेक बच्चन ने जवाब दिया है। अभिषेक ने लिखा, ओके थैंक यू फॉर योर ओपिनियन, जस्ट क्यूरियस हु आर यू रेफरिंग टू बिकॉज यू हैव टैग्ड अ होल लोड ऑफ पीपल। आई नो इलियाना एंड निकी आरंट मैड्रिड, दैट लीव्स द रेस्ट ऑफ अस, अजय कुकी सोहम सो विल गेट बैक टू यू अबाउट डिज्नी प्लस मैरिटल स्टेटस। ये लिखा है अभिषेक बच्चन ने जवाब देते हुए इस ट्रॉलर को। साफ जाहिर हो रहा है कि अभिषेक बच्चन काफी गुस्से में है। अभिषेक बच्चन ने आगे भी लिखा, आवर नेक्स्ट ट्रैक अंडर द सन, लेट नेली नो। अमित शुक्ला ने कहा, आपको नहीं लगता है कि आपको फिल्मों में काम सिर्फ अमिताभ बच्चन के बेटे होने की वजह से मिलता है? अभिषेक ने इसका भी जवाब दिया, काश जो आप कह रहे हैं सच होता, सोचिए कितना काम मिलता मुझे,
अभिषेक ने फिर दर्द झलकाया। अभिषेक बच्चन की जिंदगी का ये भयानक राज है कि लोग उन्हें अमिताभ के नाम से फिल्में नहीं देते हैं। अगर देते तो उनके पास बहुत काम होता, क्योंकि अमिताभ बच्चन इतने बड़े महानायक हैं और अभिषेक खुद को उनके आगे कुछ नहीं समझते आज भी। अभिषेक ने आगे कहा, आई डिडंट वॉज ड्रॉप फ्रॉम अ फ्यू फिल्म एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कास्ट, बट वी लीव इन होप एंड कीप ट्राइंग होपिंग एंड वर्किंग टूवर्ड्स आवर गोल। यू हैव टू गेट अप एवरी डे, फाइट फॉर योर प्लेस अंडर द सन। नथिंग इन लाइफ कम्स ईजी, जब तक जीवन है संघर्ष है। ये जब अभिषेक ने लिखा तो इस पर जवाब में उन्हें मिला, अभिषेक शर्मा ने कहा, स्टिल यू आर अ नेपो किड, यू वॉन्ट गेट रिफ्यूजी इफ यू आर नॉट अ सन ऑफ सीनियर बच्चन, एंड देन ऑल्सो यू कुडंट बिकम अ सुपर स्टार, देन इट वॉज योर फेलियर। अभिषेक ने इसके जवाब में भी कहा, अरे यार ये सारे दुनिया के अभिषेक मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, बख्श दो महाराज, चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ। अभिषेक इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया। जी हाँ, बीते साल अक्टूबर में भी उन्हें इस तरह से डील करना पड़ा था। इसके अलावा देखिए जरा ये पोस्ट, यहाँ पर ये पोस्ट देखिए, स्पर्श ओब्रॉय ने लिखा था, वेल वेरी वेल रिस्पॉन्डेड टू माई नमस्ते, यू आर अ कट अबव एज एन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यू डील विद ट्रॉल्स विद सच कामनेस एंड डिग्निटी, हैट्स ऑफ। कुछ लोगों ने अभिषेक बच्चन को सपोर्ट किया है कि जिस तरह से बेइज्जती का बदला आप लेते हैं बहुत बेहतरीन है। कुकी गुलाटी ने भी तारीफ की है अभिषेक बच्चन की, जो उनकी फिल्म द बिग बॉस की डायरेक्टर है। इसके अलावा दुष्यंत द्विवेदी ने भी सपोर्ट किया है, रिएक्शन स्टारिंग अभिषेक बच्चन के बारे में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अभिषेक बच्चन को तारीफ मिले हैं जवाब देने के लिए। अंशुल कानूंगो ने कहा, सर एक फॉलोअर है उस गर्ल के पास, उसको रिप्लाई क्यों दे रहे हो आप। तो इतना ही नहीं, शुक्ति ने कहा, आई लव यू अभिषेक बच्चन, यू आर ऑलवेज द बेस्ट विथ योर बैंग ऑन रिप्लाइज, रिस्पेक्ट। इतना ही नहीं, सुयश ने कहा, ओनली यू कैन गिव सच रिप्लाइज, प्राउड फैन। ये लिखकर इस तरह से तारीफ मिली है अभिषेक बच्चन को जवाब देने पर भी। अभिषेक बच्चन सपोर्ट में फैंस का भी प्यार खूब बटोरते हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वैसे आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ट्रॉलिंग सेलेब्स में आज देखा आपने कैसे जूनियर बच्चन साहब ने जवाब दिया है ट्रॉलर्स को, और कैसे उन्हें सपोर्ट भी करने वाले तमाम सेलेब्स हैं और उनके चाहने वाले हैं। महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी अभिषेक ने साल 2000 से अपनी करियर की शुरुआत की रिफ्यूजी फिल्म के जरिए, जो फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हुई और उन्हें इसके लिए थिएटर के बाहर थप्पड़ तक खाने पड़े। अभिषेक बच्चन ने कई बार बताया कि बतौर ड्राइवर भी असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए अभिषेक बच्चन भटकते रहते थे। इतने ठोकर के बावजूद अभिषेक जब क्रिटिसाइज किए गए हैं तो तकलीफ दिल पे पहुंची है बच्चन परिवार की। खैर, वक्त हो गया है ट्रॉलिंग सेलेब्स के साथ आपसे विदा लेने का। ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज, और मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।